हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हमने लास्ट की जो टू वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था किस तरीके से स्प्रिंग बूट में हम लोग MySQL कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद ये देखा था कि किस तरीके से डेटा JPA जो है हमारा स्प्रिंग डेटा JPA उसको कॉन्फ़िगर करते हैं किस तरीके से, और किस तरीके से जो है हम लोग JPA रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, बीन्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करते हैं स्प्रिंग डेटा JPA का यूज़ करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुमने देखो देखा था ये हमारी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर MySQL के हम लोगों ने जो है कॉन्फ़िगरेशन किया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक बीन करके फोल्डर बनाया था, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने एक यूज़र बीन बनाई थी। उसके बाद उन्होंने ये एनोटेशन के बारे में समझा था कि इसका सब क्या मतलब होता है, और यूज़र रिपोजिटरी हम लोगों ने इस तरीके से क्रिएट करी थी, और इसके ऊपर ये देखा था कि अगर हम कोई भी यूज़र रिपोजिटरी बनाते हैं, मतलब कोई भी रिपोजिटरी बनाते हैं, तो उसके ऊपर हमें एनोटेशन लगाना होता है। ठीक है, तो अब आज की अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि लेट सपोज़ अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता तो उसको किस तरीके से जो हम सेव करते हैं डेटाबेस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सर्विस लेयर बना लेंगे। ठीक है, सर्विस लेयर का मतलब क्या होता है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे यूज़र सर्विस। ठीक है, यूज़र सर्विस, अब इसके ऊपर लग जाएगा क्या कहते हैं, या चलो यहीं से ही कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोजिटरी का जो ये है यूज़र रिपोजिटरी है इसको इंजेक्ट करेंगे यूज़र सर्विस के अंदर। ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी यूज़र सर्विस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट की बहुत ही स्टार्टिंग वीडियो में समझा था कि किस तरीके से ये चीज़ होती है, वर्क करती है। तो वो देखो शायद यहाँ पर किसी जगह समझा था हम लोगों ने, क्रिएट फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज़ समझी थी हम लोगों ने। ये डायग्राम देख के एक चीज़ समझी थी आई थिंक, पता नहीं किस जगह। ये देखो, ये हम लोगों ने देखा था कि सर्विस लेयर के अंदर हम लोग रिपोजिटरी को इंजेक्ट करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, ये सर्विस लेयर है हमारी। तो सर्विस लेयर क्या होती है, जैसे कि यूज़र सर्विस, इसके अंदर हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया यूज़र रिपोजिटरी को, जैसे यहाँ पर इंजेक्ट किया था। अब मॉडल का यूज़ करते हुए डेटा उसमें सेव करेंगे। तो मतलब सर्विस लेयर को दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए यूज़र रिपोजिटरी और एक चाहिए मॉडल, मतलब जो भी तुम बीन को सेव करने वाले हो। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ हो गई, अभी वो कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्विस बना लेंगे, पब्लिक पब्लिक, और उसके बाद स्ट्रिंग सेव यूज़र, और यहाँ पर जो है यूज़र का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले देखेंगे दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरीज डॉट फाइंड बाय, या लेट सपोज हमने सीधा सेव कर दिया इस तरीके से ही। ठीक है, ज़्यादा अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है यूज़र को ऐसे इस तरीके से सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम लोग यहाँ पर जो है रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग यूज़र सेव्ड इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बना दिया, अभी इसको हमें इंजेक्ट करना बाकी है। तो हम ऐट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन जो है लगा देंगे ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पर सर्विस लेयर है तो इसके ऊपर सर्विस लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग कॉल कहाँ से करेंगे, तो अभी लेट सपोज़ फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको मेन स्प्रिंग बूट जो हमारा क्लास है इसी से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये कॉल होता है यू सर्विस लेयर, ये कंट्रोलर से कॉल होती है। तो अभी वो चीज़ हम लोगों ने देखा नहीं है कंट्रोलर कैसे करेंगे, तो अभी फ़िलहाल हम यहीं से करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग डेटा इनटू डेटाबेस। ठीक है, तो लेट सपोज़ हमने यहाँ से यूज़र का ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट किया, उसके बाद यूज़र डॉट सेट सेट यूज़र आईडी, लेट सपोज़ 101। ठीक है, उसके बाद यूज़र डॉट सेट उसका फर्स्ट नेम, लेट सपोज़ शुभम। यूज़र डॉट सेट लास्ट नेम, लेट सपोज़ निगम। यूज़र डॉट सेट ईमेल, लेट सपोज़ शुभम @gmail.com। और यूज़र डॉट सेट पिन कोड, तो लेट सपोज ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें सर्विस लेयर कॉल करनी होगी। ठीक है, तो सर्विस लेयर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, प्राइवेट यूज़र सर्विस यूज़र सर्विस, और इस सर्विस लेयर को इंजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है,
अब हम सर्विस लेयर को यहाँ से कॉल करेंगे, एक सेकंड को ज़रा। तो ये सारा चीज़ जो है ये हमें यहाँ नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक मेथड बना लेंगे void save data इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये काम करेंगे save data इस मेथड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र सर्विस डॉट सेव यूज़र, और यहाँ पर यूज़र कॉल कर दिया। अब ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा, लेट सपोज रिज़ल्ट, उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो लेट सपोज़ इसका हमने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ से कॉल करेंगे सेव, तो अभी भी ये कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से नॉन स्टैटिक चीज़ें कॉल कर रहे हैं, तो इसको स्टैटिक बना दिया, ठीक है। यूज़र सर्विस को भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ जाएगा फिर, चलो बना दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, सेव डेटा, सेव डेटा कॉल करेंगे इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कैसे क्या काम करता है, कुछ कोई इशू तो नहीं आता है, क्या आता है। तो हमने कॉल किया यहाँ से, चलाया, एप्लीकेशन हमारी चल रही है, यूज़र सर्विस इज़ नल, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग मेन हमारी जो फाइल मेन जो हमारी क्लास है स्प्रिंग बूट की जो मेन फाइल होती है उसमें हम लोगों को थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो वे होता है ये इस वे में काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ JPA के साथ काम करना देख रहे हैं, जब स्प्रिंग बूट के जब स्प्रिंग बूट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब जब API के थ्रू हम डेटा सेव करेंगे डेटाबेस में, तब हम वो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल ये तरीका इसका नहीं होगा ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन और यूज़र रिपोजिटरीज, इस तरीके से यूज़र रिपोजिटरीज, तो ये यहाँ पर हो जाएगा यूज़र रिपोजिटरीज डॉट क्लास, ठीक है। अब ये हमको क्या मिल गया, यूज़र रिपोजिटरी मिल गया, ठीक है, ये यूज़र रिपोजिटरी मिल गया, ठीक है। तो अभी अभी क्या करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव सिंपली जो है ये कॉल कर देंगे, जो कोड यहाँ लिखा है इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ने सिंपली यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव कॉल कर दिया, ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव कॉल कर दिया। और यहाँ पर जो है हम अपना यूज़र ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि किस तरीके से सेविंग यूज़र टू डेटाबेस। तो अभी हमें सर्विस लेयर की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी सर्विस लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ क्या करके देखना चाह हम लोग सिर्फ अभी डेटा JPA देख रहे हैं कैसे वर्क करता है। तो तुमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर रिपोजिटरी का हमने बीन निकाली कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करके। तो ये देखो ये जो रिपोजिटरी थी हमारी, ठीक है, इसकी हमने बीन निकाली यहाँ पर, और यहाँ पर उसको निकालने के बाद हम लोगों ने सिंपली उसको सेव करके देखा, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, तो तुमने देखा कि देखो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी अगर हम डेटाबेस चेक करेंगे तो डेटा हमारा देखते हैं आता है कि नहीं आता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये हम इधर आए और उसके बाद यहाँ पर हाई स्प्रिंग बूट 2024 ये सेलेक्ट करी टेबल, तो देखो यूज़र टेबल के अंदर डेटा हमारा आ गया है। तो अभी हमको अगर फिर से कोई तो अभी देखो हमने क्या किया, ये यूज़र रिपोजिटरी हमारा इंटरफेस था, ठीक है, ये हमारी रिपोजिटरी थी जो कि एक्सटेंड कर रही थी JPA रिपोजिटरी को। अब जैसे ही हमने एक्सटेंड किया तो JPA के अंदर के जितने मेथड थे वो सब यूज़र रिपोजिटरी में आ गए। तो हमने क्या किया, सिंपली यूज़र रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू सेव मेथड यहाँ कॉल किया और हो गया काम हमारा। अभी लेट सपोज़ अगर हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो मान लो जैसे हमने इधर कर दिया राकेश निगम और इधर कर दिया मान लो राकेश, या इधर हमने एक सेकेंड, ठीक है, इधर हमने कर दिया और इधर हमने कर दिया वन। अभी इसको अगर हम फिर से रन करते हैं तो हमारा डेटा जो है फिर से सेव हो जाएगा। तो ये देखो इधर डेटा हमारा जो है आ गया ये, ठीक है। अभी इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो तुम देखो ये आ गया।
ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये देखा किस तरीके से जो है हम लोग डेटा सेव करते हैं डेटाबेस में स्प्रिंग जेपीए का यूज़ करके, स्प्रिंग डेटा जेपीए का यूज़ करके। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना जो है प्रोग्राम डाल देते हैं इसको, सेव डेटा इनटू डीबी यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए गिट पुश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से जो है हम लोग डेटा डिलीट करते हैं डेटाबेस से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।